एबीरॉक्स टीम्स, तो मैं आप लोगों के लिए आ गया भाई, ये मैच कवर करने जो कि खेला जाएगा फिनिश प्रीमियर एफपीएल मतलब लीग का T20 ईसीसी वर्सेस जीएचजी के बीच। बात करूं भाइयों इसकी फाइनल टीम आपको लाइनअप्स के बाद कहाँ मिलेगी, इस मैच की फाइनल टीम आपको लाइनअप्स के बाद मिलेगी मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है एबीरॉक्स ड्रीम 11 टीम्स। फटाफट आकर इस पर जुड़ो और इधर आप पा सकते हो भाइयों 100% विनिंग टीम हर मैच की एंड जीत सकते हो कुछ ऐसे जैसे कि आप देख सकते हैं भाइयों बहुत विनिंग कर सकते हो। मतलब आपको मैं मतलब इतना मैं ज़्यादा ना बोलूँ तो कम से कम भाइयों अगर आप ओवरऑल प्रॉफिट चेक करोगे तो आप ह्यूज प्रॉफिट में ही उठोगे। बस लाइनअप्स नहीं चेंज होनी चाहिए, जब लाइनअप्स चेंज होती है ना भाइयों तो भाई आपको पता ही है टीम हारती है। क्योंकि अगर जैसे कि अगर हमने टीम बना दी और उसके बाद आउट इन हो गया इनका, मतलब कोई फुटबॉल का प्लेयर आउट आउट निकल गया उसकी या इंजरी हो गई, उसमें हमारा कोई मतलब रो नहीं होता। लेकिन मैं आपको हद तक ऐसी टीम बना के दूंगा जिसमें कि मैं इंजर्ड प्लेयर्स ना ही लूँ, क्योंकि इंजरी वाले प्लेयर नहीं लेने चाहिए। क्योंकि आपको पता है एक बार बास्केटबॉल में एक मतलब जिनके पास एक जे एनिस था भारी लॉस हुआ था उनका, क्योंकि जे एनिस को इंजरी हुई हो रखी है लेकिन अब सही हो गई है। बात करूँ विकेट कीपर की तो यहाँ से लूँगा एस ब्रार को। मैंने सही बोलूँ भाइयों एस ब्रार अपनी टीम से ना मिडल ऑर्डर बैटिंग पर आता है, लेकिन जो जे स्कैमंस है चाहे तो आज ये ओपनर भी आ सकता है। पहले मैंने जे स्कैमंस ही लिया था लेकिन मैंने बहुत कोशिश की लेकिन क्रेडिट मेंटेन नहीं हुए, उस कारण मेरे को सेफ और एवरेज आना पड़ा। बात करूँ बैट्समैन की तो एस उर रहमान ना भाइयों बहुत टॉप का प्लेयर है। ओवरऑल भाइयों बंदे की बैटिंग में इतना जोर है कि हम सोच भी नहीं सकते। 79 रन इसने मारे थे, वो भी बॉलिंग पिच पे 9 चौके और 2 छक्के, मतलब भाई मज़ा आ गया इसकी बैटिंग देख के उस दिन मुझे। वी पताल की बात करूँ, वी पताल शुरू में पहले बॉलिंग भी करता था लेकिन अब मैंने इसका ना बॉलिंग सिस्टम क्या बैटिंग भी नहीं चल रही क्योंकि बीच में बहुत कम खेलने लग गया है, कभी कभी लाइनअप्स में होता है कभी ड्रॉप होता है। लेकिन प्लेयर बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर है क्योंकि ये बंदा इसमें नहीं खेला बल्कि यूरोपियन में भी काफी लीग्स में खेला हुआ है। आगे से बात करूं यहां से लूंगा अर्सलन गोंडल को। इस प्लेयर ने अल्ट्रा क्लीन स्वीप लगाई थी 19 अगस्त को, मुझे अभी तक याद है वो वाला मैच। 22% की सिलेक्शन थी मेरी टीम में ये था और गलती से मैं आपको बता दूँ इसमें ना 2 गोंडल है, गलती मत करना, आई थिंक 2 हैं। हाँ ये देख सकते हैं आप, एस गोंडल मत ले लेना भारी लॉस में जाओगे, मैं आपको पहले ही बता दूँ इसको नहीं लेना, आपने लेना है ए गोंडल को, ध्यान से सुन लो। बात करूँ अगर मैं ऑलराउंडर की तो ए शेर सच्ची में शेर की तरह ही खेलता है, मतलब यार मज़ेदार गेमिंग है इसकी। आप देख सकते हैं 16 रन इसने मारे, बंदा समझेगा भाई अब तो मैं हार गया, लेकिन 16 रन में उसने 1 छक्का और 2 चौके ही मारे हैं, मतलब 14 रन तो यूं उड़ाए हैं उसने, बाकी 3 विकेट्स और मेडन ओवर और इकॉनमी रेट भी उसकी हाई है। तो बंदे का इकॉनमी रेट से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या प्लेयर होगा। आगे से बात करूँ यहाँ से लूँगा महेश तंबे को। यार इसका ना इन्होंने इनके स्टेटस उड़ा दिया, लेकिन इस प्लेयर के बारे में अगर उसे खेल रहे हो आप इसके बारे में जानते ही होगे कि ये क्या प्लेयर है, मतलब ये बॉलिंग करे बैटिंग करे लेकिन बंदे ने चलना ही चलना है। आगे से कहा बात करूँ पी सहारन की, तो पी सहारन के साथ मैं काफ़ी दिन से जा नहीं रहा था क्योंकि पिछले मैच में भी नहीं गया था मैं इसके साथ, 33 पॉइंट दिए थे लेकिन 19 अगस्त को तो अल्ट्रा रॉक करके गया और मेरी टीम में भी था। तो आगे से बात करूँ बी मसूद ने अभी सिर्फ 2 मैचेस खेले हैं, 3 मैचेस सॉरी, बीच में इसने ड्रॉप कर दिया था, ये देख सकते हैं आप आ गया फुल रिकॉर्ड, 3 मैचेस इसने अभी तक खेले हैं जिसमें कि ये 3 मैचेस में अगर देखा जाए तो 41 रन प्लस 2 विकेट्स, 6 विकेट्स ले गया ये 3 मैचेस में, हर मैच में 2 विकेट्स का रेशियो आ रहा है और प्लेयर में इतनी पावर है कि आप सोच भी नहीं सकते। ए मसूद और बी मसूद को आप दोनों ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। बात करूँ बॉलर्स की तो एम गवास तो वाइस कैप्टन के लिए बहुत अच्छी पिक होती है जब भी कोई अलग टीम होती। तो आगे से बात करूँ फैजल शहजाद की, तो ये दोनों तो भाइयों अगर आपने इनको ड्रॉप किया तो समझो आप कंफर्म हार गए, अगर ये विकेट ले गए और आपने ड्रॉप किया हुआ तो आप कंफर्म हारोगे क्योंकि भाइयों एम गवास और एफ शहजाद जीएचजी की शान है भाइयों। आगे से बात करूँ एम इमरान भाइयों बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर है, काफ़ी मतलब हद तक इसको एक्सपीरियंस है और जानता है कि कैसे खेलना है, चाहो तो इसकी जगह एक गफार भी ट्राई कर सकते हो और भटनागर भी, बाकी आपकी इच्छा है। आगे से बात करूँ कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो कैप्टन मेरा रहने वाला है एम बाला साहिब तंबे और वाइस कैप्टन ए शेर, कॉम्बिनेशन में भाइयों कोई कमी मत करना, ये रही मेरी टीम, बाकी फाइनल टीम मैं अपने चैनल पे पोस्ट करता हूँ। मिलता हूँ भाइयों अगली वीडियो में अगले मैच के प्रेडिक्शन के साथ, अभी के लिए बाय फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ रहे।